आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को अपशब्द कहकर नया बवाल खड़ा कर दिया है और वह भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल वायरल हुआ वीडियो पन्ना जिले का है, जहां कांग्रेस नेता राजा पटेरिया कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। वायरल वीडियो के अनुसार इसमें वह कह रहे हैं कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का आदिवासियों का अल्पसंख्यकों का भारी जीवन खतरे में है। उन्होंने कहा कि संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस हराने का काम करो। बता दें कि इस वीडियो के वायरल होते ही देश और प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया है। जी मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस हराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। इधर वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पन्ना एसपी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, जिस पर अमल हो गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनसभा में धर्म जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी समुदाय के बीच घृणा और वैमनस्य फैलाने का कार्य प्रतीत हुआ है। पुलिस ने पाया है कि इससे लोग शांति भंग हुई है। मामले में आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 506, 153 के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के नेता राजा पटेलिया जी के द्वारा एक जनसभा में धर्म जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक दलित आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ, इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया।